और अगली खबर सत्रह से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि ईमानदारी से बताएं राशन मिलता है या नहीं। इसके साथ ग्रामीणों की हम बात करें तो ग्रामीणों ने कहा कि हाँ राशन मिलता है। सीएम शिवराज ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि जिनकी पर्ची नहीं बनी है उनकी तुरंत पर्ची बनाई जाए, एक बार फिर से चेक कराएं, अगर कोई गरीब रह गया है तो उसकी व्यवस्था आप करें। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने पिपरी गांव में लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों से भी संवाद किया है। और आइए इस संवाद को सुनेंगे, सीएम शिवराज ने जनता को, हितग्राहियों को आखिर क्या कुछ कहा। ईमानदारी से बता ना, एक मिनट जरा, कलेक्टर का है सर, ओवरऑल कितनी है? क्यों का क्या कह रहे थे आप? क्यासी लोगों की पर्ची बनी है ना, 255, तो जिनकी पर्ची बनी उनको मिलता है कि नहीं, ईमानदारी से बताना नहीं तुम्हें। और जिनको नहीं बनी तो रह गए हैं तो एक बार फिर से चेक कराओ, एक बार फिर चेक कराओ, ताकि कोई गरीब किसी जाति समाज का रह गया हो तो फिर से व्यवस्था करने की बात कर सके। ये लाडली लक्ष्मी वाला कौन है, इधर बुलाओ, महिला बाल विकास। इनके दोनों का नाम नोट करो, आ गया बच्चिया दोनों, लो माला, उन बेटी को भी दो।